आज पॉम्पलेट फिश करी बनाएंगे। 300 ग्राम पॉम्पलेट मछली लिए हैं। मछली को अच्छी तरह धो के साफ कर लिए हैं। मछली में नमक हल्दी लगा के तल लेंगे। सरसों तेल गरम हो गया, मछली डाल के तल लेंगे। मछली तल लिए हैं। बची हुई तेल में सरसों का फोरन डालेंगे। तेल में मिलाएंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ लहसुन, एक चम्मच पिसा हुआ हरी मिर्ची और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह भून चुका है, इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच पिसा हुआ सरसों। सरसों मसाला को ज़्यादा भूनेंगे नहीं, 10 से 15 सेकंड भूनकर इसमें पानी मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक मिलाकर पानी में उबाल आने देंगे। पानी उबल गया, मछली डाल देंगे। ग्रेवी कितना रखना उसके हिसाब से पानी डालें। धीमी आंच पर मछली को 10 मिनट के लिए पका लें। मछली पक चुका है, अब इसका प्लेटिंग करेंगे। और ये डायमंड्स किचन में पॉम्पलेट फिश करी बनके तैयार है।